मुझसे क्यों कर रही है? अरे यार चलो खींचती हैं, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल UP1700। सो गाइस मैं उपकता हूँ, आप सारे भाई बड़ी होगा, मैं भी एकदम बड़ी हूँ। वीडियो कर देना एक लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। ये खड़ी है हम लोग की देन अपनी स्प्लेंडर BS6। गाइस कैसा लग रहा है आपको लुक वुक इसका? मैंने मिरर वगैरह भी देन हटा रखे हैं इस पे से, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मतलब मिरर के हटा के भी एक मतलब जो होता है ना चलाने की फीलिंग्स वगैरह मज़े वगैरह वो भी ले लेने चाहिए। बाकी इसमें मैं मिरर वगैरह बहुत जल्दी इंस्टॉल वगैरह करा दूंगा इन द सेफ्टी रीजन। ऐसे ही मैं परमानेंट तो नहीं चलाने वाला, ठीक है, जब तक मज़े ले रहा हूँ ले रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हो फिलहाल बाइक की कंडीशन कुछ ऐसी हो रखी है, इसकी सर्विस वगैरह भी मुझे कल करवानी है। बाकी आप देख सकते हो हम लोग की बाइक चल चुकी है 25,000, 26,000, 756, 58, इतना कुछ किलोमीटर हम लोग की बाइक वगैरह डन हो चुकी है, ठीक है भाई लोग। तो हम लोग इसका करने वाले हैं एक टॉप स्पीड टेस्ट, टॉप सर्विस से पहले हम इसकी टॉप स्पीड वगैरह टेस्ट करना चाहते हैं। सर्विस से पहले मतलब टॉप स्पीड हम लोग की BS6 की स्प्लेंडर की कितनी निकली है सर्विस से पहले, क्योंकि गाइस अभी इसकी मुझे करवानी है टोटल वाटर बॉडी वगैरह क्लीन, एयर फिल्टर वगैरह सब कुछ होगा ना, तो परफॉर्मेंस में और बढ़ जाएगी। तो कैसी कुछ परफॉर्मेंस अभी दे रही है, ठीक है भाई लोग, तो इसका चेक करते हैं। टोटल बॉडी चेक कराने से पहले कितनी दे रही है, टोटल बॉडी मतलब चेक कराने के बाद कैसी कुछ परफॉर्मेंस और टॉप स्पीड कितनी कुछ हिट कर रही है, आफ्टर और बिफोर दोनों का फ़र्क पता चल जाएगा आप लोगों को। चलो बाकी मैं चलता हूँ। आई होप आप लोगों ने साउंड वगैरह सुन लिया होगा। चलो खींचते हैं, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फोर्थ गियर गया 60 पे मैंने लगा दिया है, जाता तो और भी, पर मैंने फोर्थ गियर 60 पे लगा दिया है। अब देखते कितनी जाएगी टॉप स्पीड। कितनी जाएगी देखते हैं। कम करनी पड़ी यहाँ पे हम लोगों को, तो यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ी कम कर ले रहे हैं। बाकी इससे नीचे जाएंगे तो आगे खींचूंगा मैं, ठीक है। बाकी टोटल बॉडी मतलब क्लीन कराने से पहले अभी थोड़ी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, 95 आके ऐसा लग रहा है, थोड़ी नहीं जा सकती। बाकी टोटल में मतलब देने के लिए और ज्यादा लिमिट है, पर मैं अभी दे नहीं रहा हूँ। अब खींचते हैं इसको एक बार फिलहाल, पूरा जोर देखते अपनी स्प्लेंडर BS6 की पावर। देख रहे हो 90 बस तक क्यों कर रही है? अरे यार 90, 91, 92 के मतलब इस तरीके की कुछ पावर दे रही है अपनी स्प्लेंडर BS6, मतलब समझ सकते हो आप। ओ भाई साहब स्टेबिलिटी हैंडल की बहुत मस्त है, देख रहे हो, आई लव स्टेबिलिटी। बाकी मिरर वगैरह हटा दिए ना तो पीछे का कुछ दिखता नहीं है, ये भी मतलब मुझे थोड़ा डर लग रहा है अभी फिलहाल के लिए। बाकी मैं सेफ्टी रीजन को देखते हुए चलाऊंगा, मुझे लगता है जल्दी लगाने पड़ेंगे। बाकी जितना मज़ा ले पा रहा हूँ ले रहा हूँ, अच्छे लगते हैं क्योंकि ऐसे मतलब मिरर वगैरह निकाल के थोड़ा अच्छा सा लुक लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह हो गई है, ऐसा कुछ मतलब काइंड ऑफ फीलिंग आती है, तो इस वजह से मैंने निकाल दिए थे। वैसे आप लोग रिकमेंड नहीं करूँगा मिरर वगैरह निकाल के बाइक वगैरह रन करो। जी हनुमान, तो मैं आया था अभी फ़िलहाल अपना मतलब कुछ काम वगैरह करने घर के बाहर, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक ब्लॉग वगैरह बनाता चलूँ, ठीक है। तो मतलब टोटल बॉडी जो हम लोग की होती है ना
उसको हम लोगों ने क्लीन वगैरह नहीं कराया, फर्स्ट टाइम अभी हम लोग क्लीन वगैरह कराएंगे, ठीक है। मैंने इसका स्पेशली एक थ्रोटल बॉडी क्लीनर मंगा रखा है, उससे स्पेसिफिक हम लोग क्लीन वगैरह कराएंगे तो बेस्ट रहेगा, वरना पेट्रोल वगैरह से कराएंगे तो इसमें जितनी भी ओरिंग वगैरह लगी हैं थ्रोटल बॉडी के अंदर, ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर के अंदर, वो सारी ख़राब हो जाएंगी फूल के, ठीक है, तो मज़ा वगैरह नहीं आएगा, मिसिंग वगैरह करने लगेगी, ओवर रेसिंग वगैरह करने लगेगी, तो मतलब ये सही नहीं रहता है। तो इस हिसाब से हम लोग इसका परफेक्ट मतलब जो आता है ना इसके लिए सिंपली बनाई उसकी चीज़ के लिए, तो उससे करोगे तो अच्छा रहेगा। तो इसका सीवा कंपनी का थ्रोटल बॉडी का क्लीनर मैंने मंगा लिया है। हाँ महंगा पड़ेगा, लेकिन रोज रोज थोड़ी नहीं, थ्रोटल बॉडी 25 से 27-28 हज़ार मतलब इतने पे होती है क्लीन एक बार, तो 300 रुपये का मंगा लिया, पूरा लगेगा नहीं वैसे भी, तो चलता है ना परफॉर्मेंस वगैरह में लेता हूँ, तो मैं तो रिस्क नहीं लूँगा। बाकी आप लोगों के ऊपर, आप कैसा मतलब आपको बाइक को मेंटेन वगैरह करते हो, बाकी मैं कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह नहीं करता। और मुझे 5100 में 15W50 वाला ग्रेड मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगा है, तो मैं तो पर्सनली उसको ही डलाऊँगा। बाकी यहाँ पे बाइक में लगाता हूँ साइड में, फिर आपको बात करता हूँ कुछ। बाकी आप बताना आपको परफॉर्मेंस वगैरह कैसी लगी, टॉप स्पीड वगैरह कैसी लगी, जो आपके सामने है थ्रोटल बॉडी भी क्लीन नहीं हुई है, और बाइक हम लोग की लगभग 26,758 किलोमीटर देन क्लॉक कर चुकी है, तो उस हिसाब से आप समझ लेना थ्रोटल बॉडी भी क्लीन नहीं हुई है, पहली बार भी नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम होगी, तो उस हिसाब से 95 लास्ट है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं जा रही है स्पीड वगैरह इसकी अभी। अब देखते हैं इसके बाद एक मैं वीडियो वगैरह आपके लिए फिर शूट करूँगा, तो उसमें मैं देखूँगा मतलब टॉप स्पीड इंक्रीज़ होती है क्या, कुछ होता है या इतनी बनी रहती है, जो भी होगा आपके सामने होगा लाइव होगा। बाकी इसकी क्लच प्लेट वगैरह कंडीशन अभी बिल्कुल बेस्ट है, मैंने 10,000 किलोमीटर पर चेंज कराई थी, ठीक है, प्रेशर प्लेट नहीं कराई थी, उसकी नीड नहीं थी, ठीक है भाई लोग। बाकी देखते हैं ऐसे कुछ अपने बाइक की कंडीशन वगैरह रहने वाली है, तो मैंने सोचा आपके लिए टॉप स्पीड वगैरह की एक वीडियो वगैरह बनाते चलूँ, क्योंकि गाइस सही रहता है आप लोगों को भी पता पड़े, तो मतलब जो हम लोग क्या होता है मतलब परफॉर्मेंस वगैरह हम लोग नहीं कराते हैं उसमें ऑयल वगैरह, जो 5100 सीरीज़ के साथ मतलब जो ऑयल है उसके साथ ये टॉप स्पीड है, ठीक है भाई लोग। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, बाकी गाइस काफ़ी अच्छा इंजन ऑयल वगैरह रहता है, बाकी इसकी आवाज़ वगैरह भी देन आपको सुना देता हूँ, बाकी वीडियो करता हूँ मैं फ्रेंड, ये सुन सकते हो आप आवाज़ आइडलिंग पे है, ये वाली आवाज़ सुन सकते हो आप, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑयल रहने वाला है। मैं मोटुल के 5100 सीरीज़ का ऑयल वगैरह यूज़ करता हूँ, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह आती है। बाकी आपको इसके एक बार एग्जॉस्ट नोट वगैरह भी सुना देता हूँ, बाकी आपको सुना देता हूँ इसकी एक साउंड सुन लेना आप, सो ये थी कुछ छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा वीडियो में, तो एक लाइक कर देना हम लोगों की मेहनत के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई लोग अपना ख्याल रखें, बाय बाय।